जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा सब पे बनाए रखे, सुमन पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग करे, सबको करे। और ये मेरा पार्टनर शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं अपने गुरु का के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी मैं मतलब ये शुक्राना सत्संग आपको बताने मतलब इसमें रियल है कि गुरु का कैसे अपने जिनसे प्यार करते हैं, अपने भक्तों से, उनको कभी भी गलत राह पर जाने ही नहीं देते हैं, उनको कोई गलत काम करने नहीं देते। उनकी ज़िंदगी से तो गलत लोग होते हैं ना, गुरु जी उनको भी बहुत दूर करते थे। मतलब कि जिस तरीके से करें चाहे मतलब समझा देते हैं। तो गुरु जी ने ऐसे ही मेरे साथ मेरी जर्नी इतनी बदलती है, इतना कुछ मेरी लाइफ में बदल गया ना 23 सितंबर के बाद। बहुत कुछ चेंज हो गया मेरी ज़िंदगी में। मेरे को 23 सितंबर से मतलब कि मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, मैं जितने जो मेरे को पता है कि मेरे जो शुक्राना करने के लिए गुरु जी के मेरे पास लफ्ज भी नहीं है, बहुत मतलब कम है। गुरु जी ने मैं उस दिन जाना था कहीं किसी के साथ, मतलब मैं गई थी कहीं, तो जहाँ पर मैं जाना था तो असल में संगत मैंने लोन लेने जाना था, ठीक है। तो मेरे घर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने चलो मैं लोन लेके चलो किस्त वगैरह पे हो जाएगी, तो इसलिए मैं गई। तो मैं जिन्होंने मेरे साथ मेरा लोन करवाना था उनके साथ ही गई, तो फिर वो ऑटो भी हम लोग वेट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर। ऑटो वाले के घर में बैठे, तो वहाँ पर मैं से बैठी थी, तो ऐसे मतलब मैं बैठे बैठी थी, तो ऊपर मंदिर था, वो मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। तो वो जो ऑटो वाले की वाइफ थी, तो वो मुझसे बातें करने लगी कि मेरी बेटी बहुत मानती है, दिल्ली में रहते हैं, ये गुरु जी का बड़े मंदिर छतरपुर में है ये वो। मैंने बोला हाँ जी आंटी जी, मेरा भी घर दिल्ली में ही है, सॉरी संगत जी। तो मैं कभी मतलब मानती हूँ, बट आधा सत्कार वगैरह कर उस तरीके से अटैचमेंट उस टाइम हुई नहीं थी। तो बस मैंने बस ऐसे माथा टेका, सिर झुकाया, जय बस कभी मैं जैसे आज बोलते हैं हम लोग जय गुरु जी, जय गुरु जी, उस टाइम नहीं था मेरे मन में संगत जी। तो गुरु जी ने पता नहीं किस तरीके से अपनी ओर खींचा मुझे, क्या खुद समझ में नहीं आया। तो गुरु जी ने फिर मुझे मैं लोन ले गई, वहाँ पर मना गया। तो संगत जी मैंने अपने मतलब कॉरपोरेशन में मैंने अपने कागज़ दे रखे थे नौकरी के लिए, बट उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे बोला कोई सिलेक्ट होता है। दुनिया के कितने कागज़ जाते हैं, है ना, तो मुझे कोई आस भी नहीं थी इतने कि मेरा काम इतनी जल्दी हो जाएगा। लोग सालों इंतज़ार करते हैं गुरु जी सर जी सॉरी। तो मेरा काम आप लगा लो मैंने जून मई जून अगस्त, हाँ जी 3 महीने में मतलब मेरे को रिजल्ट मतलब हो गया। मैंने 2 महीने ही लगा लो आप कागज़ देवे को हुए होंगे। तो मतलब कि मेरा गुरु जी, उस गुरु जी के स्वरूप के सामने मतलब वैसे ही बस माथा टेका था मैंने, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं ना कुछ नहीं है गुरु जी, सिर्फ मैं फ़ोन में देख के माथा टेकती हूँ गुरु जी को। तो उसी दिन गुरु जी मैसेज आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया, और मैं इतनी खुश हुई। फिर गुरु जी उस दिन मेरे पास कोई पैसे भी नहीं थे घर में, मतलब कि ऐसे गुरु जी ने मुझे ना कर्जा उठाने दिया, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मैं किसको क्या बताती मैं क्या नहीं बताती। तो सत्संग थोड़ा लंबा हो गया गुरु जी सॉरी, बट ये मेरे साथ रियल जर्नी है भी। मैं ऐसे गई वहाँ पर बैंक में, तो उन्होंने बोला सॉरी मैम आपका लोन वोन नहीं हो सकता क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पर। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, चाहे तो आपने कोशिश करी जो मेरे साथ लेके गए थे। तो मैंने बोला मामी जी आपने तो मेरी कोशिश करी, इसका भी बहुत धन्यवाद है, ठीक है बस कोई बात नहीं, जो नसीब में है वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो बस ये है कि मेरे उस दिन बस मैं गुरु जी के स्वरूप को देखा था, तो मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल हुआ है ना। जिस दिन गुरु जी अब मेरे को हर मेरे कभी तकलीफ नहीं देखी थी, जितने भी देखी कहीं बचपन में छोटे छोटे तबके देखी होगी या फिर ऐसे देखी होगी मूवी वगैरह, बट अब मेरे ऊपर नीचे आगे पीछे कोई वाइट ब्लैक येलो ये सब मतलब तितलियाँ घूमती रहती है समझी है। फिर मुझे ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग इतनी मिलती है कि पूछो मत आप। तो ये सब जो मेरे कल मेरे साथ हो रहे हैं गुरु जी की कृपा है, मैं मान रही हूँ गुरु जी को अपने दिल से मतलब हाथ पकड़ लिया, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने गुरु जी का हाथ नहीं पकड़ा, गुरु जी ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। और बाकी मुझे सत्संग कहीं भी नाम देती हूँ क्योंकि सत्संग तो बहुत सारे हैं, रोज हो रहे हैं मेरे साथ कुछ ना कुछ। तो बस दूसरी संगत भी सुन पाए सत्संग को, सत्संग को विराम देने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, जो देता उदा भी शुक्राना, जो नहीं देता उदा भी शुक्राना, जो देता जो देना है उदा भी लख शुक्राना। गुरु जी आपके चरणों में जो मैंने अरदास लगाई है, प्लीज उसे आपको कबूल करना, अपने बच्चों पर हमेशा खुशियाँ बरसाना, हमेशा अपना ध्यान रखना, बस हमें भटकने मत देना गुरु जी, बस सबसे यही अरदास है हमें भटकने मत देना, कभी गलत राह पर मत जाने देना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग आप सब संगत परिवार के पास पहुंच रही है, और चमत्कारिक सत्संग सुनते रहिए गुरु जी, जैसे आप चमत्कार करते हैं ऐसा और कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरु जी, हम सबका जीवन सुखी बनाने के लिए जो भी
संगत सत्संग को सुन रही है शुक्राना जरूर करे। जो भी संगत सत्संग को सुनते हुए शुक्राना करती है, शेयर करती है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेती है, गुरुजी उसके कल्याण में पूरी तरह से लग जाते हैं। अब वो गुरुजी की शरण में आ चुके हैं। तो आप सत्संग को सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी संगत जी को खूब खूब ब्लेस करें, ऐसी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और आज की एक बहुत ही विशेष खास खास ब्लेसिंग संगत परिवार के लिए गुरुजी ने थॉट डाला है कि शेयर कर दी जाए, तो वो भी आपके साथ शेयर हो रही है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र बेफिक्र हो के सोया कर, क्योंकि तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। हमेशा जो भी संकट तेरे ऊपर आने वाला होंदा है, उसनू मैं आप पे ही संभाल लेवंगा। जिस भी चीज़ तो तू परेशान चल रहा है, वो तेरे जीवन विच जल्दी ठीक होने वाली है। ऐ तेरे प्यो दा वादा है। मंत्र जाप करदा रह, फिक्र ना कर, सिर्फ शुक्राना करी जा। कल्याण कीता, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरु जी काट देते हैं हमारे जितने भी कष्ट होते हैं, है ना। कभी आपने सुना है कि बटरफ्लाई घर में आई और एकदम से उसकी मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब है कि गुरु जी ने सच में कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, गुरु जी करते हैं चमत्कार, और ये चमत्कार हमारे जीवन में तब होता है जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। और हम गुरु जी के साथ तब कनेक्ट करते हैं जब हम डेली डेली खूब खूब सत्संग सुनते रहते हैं। वहाँ से हम ब्लेसिंग लेते रहते हैं और हमारे बुरे कर्म कटते चले जाते हैं, और फिर हमारे जीवन में होते हैं नित नए चमत्कार। हाँ जी संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। गुरु जी जरूर कृपा करेंगे और आपके जितने भी कष्ट हैं वो जल्दी दूर होंगे और आपके जीवन में भी होंगे चमत्कार। तो ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए, 777 की 777 की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को सुनते रहिए, है ना। और बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं और ओम दर्शन होते हैं। आपको अगर कोई दर्शन इस तरह से होते हैं तो अगर आप वीडियो बना के छोटा सा भेजना चाहें कुछ सेकंड की, तो आप ज़रूर भेजिएगा, है ना। और आपका अगर शुक्राना सत्संग है तो आप रिकॉर्ड करके क्लियर वॉइस में भेज दीजिएगा 9548422997 पर। गुरु जी करेंगे कल्याण। और जितने भी आपके शुक्राना सत्संग होते हैं मैं गुरु जी के चरणों में रख देती हूँ। अब गुरु जी की इच्छा कि कब कौन सा सत्संग शेयर होगा, है ना। सभी ब्लेस सत्संग होते हैं और अरदास करती हूँ मैं गुरु जी से कि जो भी सत्संग को सुन रहे हैं उनका गुरु जी कल्याण करें, जो भी सत्संग को शेयर कर रहे हैं गुरु जी उनका भी खूब खूब कल्याण करें। तो सत्संग को पूरा सुनेगा, एंड तक सुनेगा, जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक होए गुरुजी महाराज तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो डेली होते रहते हैं, पर जो कुछ सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ऐसे हैं। एक बार क्या हुआ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी अपने एग्ज़ाम्स की। तो मैं एक बार जिस रूम में गुरुजी का स्वरूप है मैं उसी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही थी नीचे। तो वहाँ पे मैंने एकदम देखा कि एक बटरफ्लाई है ब्लैक कलर की, मतलब उस पर येलो येलो कलर्स के डॉट थे और वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। वो एकदम से मेरे पैरों के पास आई, मैं एकदम करने लग गई, वाओ गुरुजी आपने मुझे अपने दर्शन दिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एकदम से खुश हो गई, मैं उस बटरफ्लाई को ही देखती रही। इतने में देखा तो मैंने जस्ट फ़ोन निकाला कि मैं एक बार वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम थी नहीं घर में, तो मैंने कहा एक बार वीडियो बनाती हूँ। तो एकदम देखा तो एकदम से पता नहीं कहाँ चली गई, शायद गुरुजी के स्वरूप के पीछे छुप गई या पता नहीं कहाँ पे। फिर उसके बाद मैं अपना पढ़ने लग गई, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आपने मुझे एकदम दर्शन दिए। और फिर मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वो जो बटरफ्लाई है वो एकदम मतलब चल भी नहीं, मतलब उड़ ही नहीं पा रही थी, मतलब एकदम वो ऐसी घायल सी हो गई थी। तो मैंने मम्मी को ये बात बताई तो मम्मी कहती गुरुजी ने शायद कोई संकट काटा है,
और फिर जब अगले दिन हमने सुबह देखा तो मम्मी जब पूजा कर रही थी तो देखा कि वो वहीं पे ही मतलब वो बटरफ्लाई मरी हुई थी। तो हम एकदम उदास हो गए कि अब क्या करें, ये कैसे हो गया। तो फिर हम जय गुरु जी करते रहे कि शायद गुरु जी ने हमारा कोई बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लेके और काटा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमारी लाइफ का जो भी संकट था वो आपने अपने ऊपर लेके वो काटा। हमें उस चीज़ का समझ नहीं आया, पर जो भी था उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग मैं शेयर करूँगी वो ये है कि मेरा जैसे स्पोर्ट्स होते हैं हमारे कॉलेजेस में, तो मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। तो मेरा जैसे ही फाइनल ईयर है, फोर्थ ईयर है, तो मैं जब फाइनल ईयर में अपना लास्ट टाइम था मेरा जैसे अब स्पोर्ट्स का, फिर इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलता कॉलेज से, तो मैं यही सोच रही थी गुरुजी महाराज प्लीज़ इस बार हम जीत जाएं। मतलब जैसे हमारा ये AKTU की यूनिवर्सिटी है तो उसमें आपस में कॉलेजेस में होते थे, तो मैं यही सोच रही थी गुरुजी महाराज प्लीज़ जोनल्स जितवा देना, मुझे स्टेट लेवल में जाना है, प्लीज़ जितवा देना, मेरा ये आखिरी मौका है गुरुजी महाराज, पता नहीं कैसी टीम्स होंगी, मैं हम लोग कैसा खेलेंगे, क्योंकि हमारे को कॉलेज में भी ज़्यादा प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। तो मैं यही करती रहती थी गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ जैसे भी हो आप मेरे बस साथ रहिएगा। और गुरुजी ने मेरे को वो मैच जितवा दिए और हम अब स्टेट खेलने जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा साथ दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अब तीसरा सत्संग ये है कि जब ये मैच के टाइम की बात है, मैं मैच खेल के और मेरा अगले दिन फाइनल मैच था, मतलब हम सेमीफाइनल जीत गए और हमारा अगले दिन फाइनल था। तो मैं बाहर की तरफ गई और मैं अपनी मम्मी को बता रही थी फ़ोन करके कि मम्मी ऐसा ऐसा है, आप गुरुजी से शुक्राना कर देना घर में, मैंने यहाँ से कर दिया है। मैं इतने में फ़ोन पे जस्ट बात ही कर रही थी और एकदम से वहाँ से वॉलीबॉल होती है वो बॉल एकदम से इतनी स्पीड में आई कि मेरे एकदम हाथ पे इतनी तेज़ लगी कि वो पूरा स्क्रैच मतलब पूरा छिल गया वो कोहनी के पास से। और मुझे इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ और इतनी जलन हो रही थी। मैं बस यही कह रही गुरुजी प्लीज़ मेरे को कल मैच खेलना है अपना फाइनल, प्लीज़ मेरा हाथ का ध्यान रखना, क्या पता गुरुजी ने इसमें भी कुछ कम में करके काटा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मैच तक तब तक कोई भी वो दर्द नहीं रहा, उन्होंने तब तक मेरा वो दर्द जो है वो एकदम मतलब संभाले रखा और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा दर्द करके वो ठीक होने लगा। मेरा मैच अच्छे से हुआ, मैं अच्छे से खेल पाई, उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा चौथा सत्संग ये है कि मैं आज गई थी बड़े मंदिर, तो वहाँ पे हमारे को आज जैसे सेवेंथ डेट है तो गुरुजी की ब्लेस्ड नंबर और थर्सडे भी है, तो आज मैं गई गुरुजी के यहाँ पे शुक्राना करने की, गुरुजी मेरे हर चीज़ का जो भी आपने मेरे साथ दिया है हर चीज़ का शुक्राना, और मैं अब स्टेट में जा रही हूँ खेलने, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, मेरा हमेशा हाथ थामे रखिएगा, मैं शुक्राना करने गई थी। और वहाँ पे जब जैसे वो टोकन मिलते हैं जहाँ पे हम लगेज अपने सबमिट करते हैं, मैं उस कॉलेज से ही डायरेक्ट गई थी, तो बैग जहाँ पे मैंने अपना सबमिट करा तो वहाँ पे मुझे जो वो कार्ड मिला टोकन उसका भी लास्ट नंबर 7 था, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। मैं अभी घर आ रही थी तो मेट्रो से उतर के हम रिक्शे में आ रहे थे, तो मैं गुरुजी को यही कह रही थी गुरुजी महाराज प्लीज़ आज 7 तारीख है, मुझे 77 की ब्लेसिंग दे दो, घर पहुँचते पहुँचते तक मुझे एक गाड़ी दिखा दो जिसके लास्ट में 77 आए प्लीज़ गुरुजी। मैं पूरे रास्ते आती रही मैं, पर मुझे कहीं नहीं दिखी, मतलब सिंगल 7 दिखे, मैंने कहा इसका भी शुक्राना। फिर मैं जैसी मतलब अपनी गली में ही मुड़ी तो मुझे एकदम एक बाइक दिखी जिसके लास्ट नंबर तो नहीं पर स्टार्टिंग के नंबर 7 थे, 77 थे, तो मैंने कहा जय गुरु जी आपने मुझे ये भी ब्लेसिंग दी, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, आपने मुझे अपने दर्शन दिए शुक्राना गुरु जी। पर उसके बाद मैं थोड़ी सी आगे आगे बढ़ी तो गुरुजी ने मुझे लास्ट नंबर की भी 77 की ब्लेसिंग दे दी। मैं गुरुजी को यही कह रही थी क्या हो गया गुरुजी, आप मुझसे नाराज़ हो क्या, आप मुझे आज दर्शन नहीं दे रहे। और मैं जस्ट घर पहुंचने ही वाली थी इतने में लास्ट में गुरुजी ने मुझे लास्ट नंबर की 77 की भी ब्लेसिंग दे दी, तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आपने मेरा अभी तक साथ निभाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आगे भी मेरा साथ निभाना गुरुजी महाराज, मेरा हाथ थामे रखिएगा मेरा हर चीज़ में, मेरी पढ़ाई, मेरा स्पोर्ट्स, घर परिवार, हर चीज़ में हमारा साथ निभाइएगा गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।